सभी लोग सुनना इस ध्यान से इस गीत को। नार नारा नार नना नार नारा नार नारा नारा तेरी मिसाल कहा। एक गीत आया है और पूजनीय जवाबी कीर्तन की बहुत अच्छी हस्ती दादा लालचंद जी दीक्षित, बहुत सुंदर लेखनी की है। इस गीत की रचना में आप समझेंगे उनकी लेखनी की चतुराई क्या है। हमारे यहां प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। फिर हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक नारा और जोड़ दिया जय विज्ञान। नारे कितने हो गए? तीन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब दादा लालचंद दीक्षित की चतुराई देखें, नारे आज के और घटना कब की। बस जय कि मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, इसमें तीन का अंक प्रधान, जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। हो गए तीन। अब भारत देश में लिखा है इसमें तीन का अंक प्रधान, तो देखो आप भारत देश में अक्षर कितने हैं? तीन। भारत देश के झंडा में रंग कितने हैं? तीन। भारत देश में सेनाएं कितनी हैं? तीन। इंडिया भी देख लो तो अक्षर कितने हैं? तीन। और इस हिंदुस्तान के देवता कितने हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन। अब बाकी घरे जोड़ते रहिए ना, हमारी जिम्मेवारी है पूरी। अब लाइन सुनो। मेरा भारत देश महान, उसमें तीन का अंक प्रधान, जय जवान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। जहां में जहां में जहां में ऐसा प्रमाण कहां, जहां में ऐसा प्रमाण कहां। अब चलते हैं नंबर एक, जय जवान। अब देखें आप गीत को ध्यान से सुनेंगे, हाथ जोड़ के विनती है। अब हमारे यहाँ का जवान देखें, भारत का जवान कैसा है। नारा है आज का और कवि पूजने दादाजी ने लिखा कहाँ का है। अब जवान तीन नारे हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तीन ही अंतरा है गीत में। सबसे पहले चले जय जवान। लांघ गए सागर जब सिया सुध लाए, देखें देश का जवान। लांघ गए सागर जब सिया सुध लाए, कांधे पे अपने राम लक्ष्मण बिठाए, सारी सभा में सीना चीर के दिखाए, तीनों ही लोक सदा जिनके गुड़गाए गुड़गाए। अब जहां भी ताल आपको लाइन अच्छी लगे, कवि लालचंद जी दादा के नाम पर जरूर ताली बजाएं, लेखनी के नाम। कैसा है भारत का जवान? के मुखदावे दिन कर श्रीमान, मुखदावे दिन कर श्रीमान, हृदय बीच ब्राजे भगवान, तीनों लोक पुकारे तुमरी जय हो वीर हनुमान। जहां में ऐसा जवान है कहीं ऐसा जवान, जहां में ऐसा जवान अब चले जय किसान जय जवान। अब जय किसान, अब हमारे यहां का किसान भी देखो आप इस भारत देश का। धरती पे बरसा नहीं कई साल पानी,
धरती से तभी वो प्रगटी भवानी कब कब हल लेकर के चले राजा रानी। जनक जी हल लेकर के चले राजा रानी, जिनकी है जाहिर जग में कहानी कहानी। सो ज्ञानी सुनो लगा कर कान, ज्ञानी सुनो लगा कर कान, राजा रानी बने किसान, और बिना बीज के धरती से पैदा कर दी संतान। जावे ऐसा किसान ना बहुनी करी ना बखन्नी करी कछु नहीं करी, फसल तैयार। तो ज्ञानी सुनो लगा कर कान, राजा रानी बने किसान, बिना बीज के धरती से पैदा कर दी संतान। जहां में जहां में जहां में ऐसा किसान था। अब आखिरी नारा क्या है? जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब जो विज्ञान हम और आप देख रहे हैं, ये तो भारत देश का विज्ञान सदियों से है, कई युगों से है। कैसे? कई बाण ऐसे थे जो पानी बरसाए। हम देखते हैं मिसाइल, उनकी 2200 किलोमीटर की मिसाइल, वहां जहां निशाना साधो वहीं पहुंच। ये बहुत पहले से विज्ञान रहा है भारत का। शब्द भेदी बाण चलते थे, राजा दशरथ ने चलाया था। ऐसे कई सिप्त शब्द भेदी बाण थे, कई बाण ऐसे थे जो पानी बरसाए, कई बाण ऐसे थे जो अग्नि गिराए। लीलाधर क्या क्या अपनी लीला दिखाए, तीनों ही लोक सदा जिनके गुणगाए गुणगाए। देखे विज्ञान भारत का, जीत के लाए एक विमान। भगवान राम जब रावण को मार के आए, तो जीत के लाए एक विमान, उसका अलग अलग व्याख्यान। और जो विमान जीत के लाए थे भगवान, उसकी एक विशेषता थी कि बैठ जाएं कितने भी, खाली रहे एक स्थान। पुष्पक विमान की एक विशेषता थी कि अगर 50 लोग बैठ जाएं तो एक जगह खाली, 1,00,000 लोग बैठ जाएं तो एक जगह खाली, और 20,000 लोग बैठे तो एक जगह खाली, जिस विमान की विशेषता थी। सो बैठ जाएं कितने भी, खाली रहे एक स्थान। जहां में जहां में ऐसा विज्ञान का, जहां में ऐसा किसान का, जहां में ऐसा जवान का, जहां में ऐसा जहां में ऐसा प्रमाण कहां।